नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आइए आप सभी को एक खास खबर दिखाते हैं। आज 1 अक्टूबर है वृद्धजन दिवस और इस दिवस को सिंहेश्वर ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला सिलवी खुर्द में वहां के शिक्षक खोमन सिन्हा और स्कूली छात्रों ने बड़े ही अनूठे अंदाज में मनाया है। दरअसल यहाँ के शिक्षक और स्कूली बच्चों ने गांव के तमाम बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक अपने स्कूल में बुलाकर उनके चरण धोकर उनकी आरती उतारकर सम्मानित किए हैं, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और संवेदना की भावना को दिखाता है। यह सम्मान को पाकर वृद्धजन भाव विभोर हो गए और स्कूल के शिक्षक और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिए। आप लोगों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि हमारे इस सिरी खुर्द के जितने भी बुजुर्गजन हैं, उन लोग बहुत ही बुद्धिजीवी और एक समाज को नई दिशा देने वालों में से हैं। तो मैं आप सब की उपस्थिति के लिए आप सबको साधुवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए यह विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से हमारा प्राथमिक शाला श्री खुर्द निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और हम लोग बिल्कुल अपना समय का सदुपयोग करेंगे और बच्चों को निरंतर सतमार्ग की राह पर चलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये जो प्राथमिक शाला आप देख रहे हैं श्री खुर्द का, ये हमेशा चर्चाओं में रहा है, क्योंकि यहाँ के शिक्षक खोमन सिन्हा और यहाँ के जो छात्र हैं वो हमेशा कभी अभिनव पहल की शुरुआत करते हैं, आपके स्कूल में कई विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, जिस वजह से ये स्कूल लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। यहाँ के जो छात्र हैं उन्हें काफी चीज सीखने को मिलता है पढ़ाई के साथ। तो आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, इस दिवस को काफी अनूठे अंदाज में मनाया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को लेकर आप तक पहुंचेंगे। अब तक के लिए मुझे यानी शेख इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।